काशीपुर व जसपुर में विगत सप्ताह हुई चेन स्नेचिंग की दो वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो शातिर चेन स्नेचरों को लूटी हुई चेन, नकदी और घटना में प्रयुक्त बाइक समेत गिरफ्तार किया है। चेन स्नेचरों का खुलासा करते हुए एसपी अभय कुमार सिंह ने बताया कि 14 जुलाई को रात करीब 11 बजे के आसपास एक वृद्ध महिला के गले से सोने की चेन झपट कर दो बाइक सवार चोर मौके से फरार हो गए। इसके अलावा कोतवाली जसपुर से भी 11 जुलाई को घर से स्कूटी चोरी और चेन स्नेचिंग के मामले सामने आए थे। इन दोनों वारदातों के खुलासे के लिए टीम गठन करके सीसीटीवी कैमरों और मुखबिर की सूचना पर काशीपुर हरिद्वार हाईवे पर मुकुल और मनोज कुमार नाम के दो चोरों को बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। दो चेन स्नेचिंग की अलग अलग घटनाएं हुई थी और चूंकि बैक टू बैक दो चेन स्नेचिंग की घटनाओं से इसकी संवेदनशीलता अधिक थी और इसी को पूरी संवेदनशीलता से हमने लेते हुए दोनों थानों काशीपुर और आईटीआई की जो थानाध्यक्ष हैं इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, उसमें कुछ सिमिलरिटी थी। जैसे जो दोनों घटनाओं में अभियुक्त थे, ये और बात है कि उन्होंने अलग अलग टाइम पे, जैसे जसपुर में सुबह के समय और काशीपुर में रात लगभग 10-10:30 बजे करीब में घटना करी थी, लेकिन घटना में जो बाइक और हुलिया था अभियुक्तों का वो सिमिलर था, लिहाजा इसमें ज्वाइंट टीम बनाई गई। ज्वाइंट टीम में ये जो तीन लड़के हमारे हैं, जैसे काशीपुर में कांस्टेबल जो हमारा प्रेम कनवाल जो कटोराताल चौकी में, और उसी तरीके से राजकुमार और अरुण हैं दो लड़के जो कि जसपुर थाना क्षेत्र में है कांस्टेबल हमारे, इन लोगों ने लगभग 150-200 कैमरे देखे और इसको डेवलप किया और जो पूरी चेन जसपुर से जो इनके द्वारा चेन स्नेच की गई थी वो हमने बरामद कर लिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।